सेट पे मेरी टीम को, जो मेरी मेकअप टीम थी, कॉस्ट्यूम टीम थी, उनको नहीं पता था क्या शूट हो रहा है, क्योंकि टीटू मामा इज द गाय आई एस्पायर टू बी इन लाइफ. हाय, मैं हूँ भुवन बाम. मैं तो रोज न्यूज देखता हूँ, आप देखते हो क्या? सो भुवन, व्हाई डिड यू चूज टू गो फॉर सिंगल एपिसोड्स? एक लंबा बड़ा वीडियो भी बना के डाल सकते थे. पहले ना ढिंडोरा फिल्म थी, जब हमने लिखी थी तो हमने फिल्म की तरह लिखी थी, उसमें ऐसे एपिसोडिक ब्रेकडाउंस नहीं थे उसमें. पर लिखते टाइम रियलाइज हुआ, यार ये तो हम अभी लिख रहे हैं. कोई एक आदमी होगा, कोई एक इंसान होगा, वो शो देख लेगा पहले ही विद इन एन आवर, वो तो स्पॉयलर्स लिख देगा एंड में लिख देगा, एंड इट वोंट रिमेन इंटरेस्टिंग फॉर द पीपल. तो फिर हमने सोचा कि अब सीरीज भी चल रही है, OTT प्लेटफॉर्म्स पे सीरीज चल रही है, तो क्यों ना इसको ऐसे बनाया जाए कि सस्पेंस भी इंटैक्ट रहे और लोग वेट भी करें अगले एपिसोड का. एंड यू ऑलवेज से दैट यू आर अ म्यूजिशियन फर्स्ट एंड देन एन एक्टर एंड राइटर एंड ऑल, तो आपको म्यूजिक में भी और आगे कुछ करना है, कुछ प्लान्स है? डिंडोरा में, इफ़ यू सी डिंडोरा में, टोटल 4 गाने हैं और पूरा BGM हम लोगों ने संभाला है एंड इट वॉज इन आर हैंड्स. तो ढिंडोरा का BGM भी कॉन्शियसली इट्स वेरी क्वर्की. और टाइटल ट्रैक वी गॉट स्नेहा ऑन बोर्ड, स्नेहा खानवलकर टू डू टाइटल ट्रैक ऑन बोर्ड. तो म्यूजिक है ऑन द चार्ट्स, बट नाउ दैट वी नो दैट फॉर द नेक्स्ट 2 years वी आर बिजी विथ द शोज, शोज आर कमिंग, तो उसके अंदर वी नो दैट इट्स अ BBK वेंस प्रोडक्शंस, तो वी कैन पुट आर सॉन्ग्स इन इट. और सॉन्ग बैंक इतना है कि पुराने गाने जो बने हुए हैं, आधे बने हुए हैं, वो पूरे बना के वी कैन पुट इट इन आर सीरीज. तो सही है, एक्साइटिंग है ये. एक ही तीर से दो निशाने, जो करने हैं वो भी और जो पैशन है वो भी. और आपके जो कैरेक्टर्स है, मुझे जानना था भुवन बाम का दिमाग कैसे काम करता है, मतलब वो थॉट प्रोसेस कैसे आता है कि यार ये कैरेक्टर, इसका मैं नाम रखता हूँ समीर फुड्डी, इसका मैं नाम रखता हूँ, मतलब हाउ डज इट फंक्शन, हाउ डू यू डू द प्रोसेस ऑफ राइटिंग से लेके पूरा एग्जीक्यूशन, और ये कैसे होता है, एंड विच ऑफ द कैरेक्टर इज द मोस्ट चैलेंजिंग? चैलेंजिंग कैरेक्टर की बात करूँ तो वो जानकी जी जो कि मदर का कैरेक्टर है, वो चैलेंजिंग है, क्योंकि उसके अंदर यार आवाज़, अब अगर आप देखें पीछे तो मम्मी है वो, तो मम्मी का दुपट्टा है, तो जो नाक के ऊपर पहना है ना, अब मैं पूरी वीडियोस में जो अपनी घर पे बनाता था वीडियोस में, उसके अंदर मेरे को हाथ रखना पड़ता था. ऐसे यहाँ नहीं कर सकते, यू कैंट अफोर्ड दैट. यहाँ पे आपको दोनों हाथ दोनों पैर चलती दिखानी चाहिए. तो यहाँ पे वो पीछे वी हैव टाइड एंड नॉट बिहाइंड, तो जो मेरी चोटी है, चोटी बांधता हूँ मैं, वो चोटी के ऊपर नॉट है, तो ये बाल पूरे खींचते हैं ऐसे करके. उसके ऊपर वो बहुत भारी चुनरी है, वो बहुत भारी दुपट्टा है, वो गेटअप बहुत भारी है. ऊपर से आई एम वेयरिंग अ ब्रा, आई एम वेयरिंग बम पैड्स, ताकि नेचुरली वॉक, हाँ नेचुरली वॉक अलग आए अभी. नेचुरली वॉक अलग आए. और मम्मी का कैरेक्टर प्ले करते टाइम आवाज़ करनी पड़ती है बहुत पतली, बहुत पतली करनी पड़ती है, इतनी पतली करनी पड़ती है कि उसके बाद बोलना मुश्किल हो जाता है. तो हमेशा मम्मी का जो शॉट होता था वो लेते थे सबसे एंड में, एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द डे, कि उसके बाद तो आई कांट स्पीक. तो ढिंडोरा जो है ये आपने स्टार्ट किया था 2017 में, एज पर द रिपोर्ट, राइट? आपका थॉट प्रोसेस, और उस दौरान आपको जितने प्रोजेक्ट्स आए, आपने बोला कि नहीं मुझे मेरा ही शो बनाना है पहले. सो व्हाट वाज द जर्नी ऑफ ढिंडोरा लाइक, क्योंकि आप पहली बार इतने बड़े प्रोडक्शन स्केल पे बना रहे हो, यूजुअली तो आपने खुद का एक जॉनर बना दिया है जो आप ऐसे बात करते हो, वो जॉनर ही बन गया है. और ढिंडोरा में भी इफ यू सी व्हेन द कैरेक्टर्स आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, इफ बबलू जी इज इंटरेक्टिंग विद जानकी, देन द लैंग्वेज रिमेन्स द सेम. जब कैरेक्टर्स आपस में बात कर रहे हैं तो बिल्कुल ऐसे आ जाता है कि इट्स रिकॉर्डेड ऐसे, क्योंकि एकदम टाइट फ्रेम होता है जैसे मेरे वीडियोज में होता है. तो हमें वो एसेंस नहीं करना था लूज. पर जब राजेश सर के साथ आई वो शूटिंग, जब गायत्री के साथ आई वो शूटिंग, तब वी शॉट इट प्रॉपर सिनेमैटिकली. सिनेमा भी दिखाना है थोड़ा, मतलब वो भी एक कीड़ा है कि प्रॉपरली ऐसा लगना चाहिए कि सीरीज या बॉलीवुड का कुछ कोई मूवी शूट हुआ है, तो वैसे करना था. बट ढिंडोरा इज़ आर बेबी एंड बिकॉज इट इज़ द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स समथिंग बिग, समथिंग दैट वी ऑल एस्पायर टू बी. तो जो आपके कैरेक्टर्स है, अभी इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, तो सेट पे जो बाकी लोग भी होते होंगे, जैसे कोई स्पॉट दादा हो गया जो आपके साथ पहले काम नहीं करते होंगे, वो कभी कभी आप देखते होंगे कि बैठ के सोच रहे हो कि यार क्या कर रहे हैं. सेट पे मेरी टीम को, जो मेरी मेकअप टीम थी, कॉस्ट्यूम टीम थी, उनको नहीं पता था क्या शूट हो रहा है. पूरे सेट पे सिर्फ आपको पता है कि क्या हो रहा है, सिर्फ आपको पता है.
तो इवन सेट पे भी चीखा चिल्ली हो रही है, आप ही कर रहे हो सेट पे, किसी को समझा रहे हो ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, तो आप कॉन्स्टेंटली बोले जा रहे हो वाइल यू आर प्लेइंग द कैरेक्टर्स ऑल्सो. अभी मैं देखता हूँ ना टी वी पे शो, तो लगता है सही है, लोग देखते हैं, लोग लगता है क्या ईजी है यार, वो 20-20 सेकेंड का शॉट, 7 घंटे 7 आवर्स मिनिमम लगते हैं उसमें, कैसे शूट किया है वो टीम ही जानती है. मुझे कैरेक्टर्स के बारे में पूछना था कि अभी कोई कोई कैरेक्टर्स आपने ऑलरेडी बना दिए, तो आपको कभी मन किया था कि कैरेक्टर को मैं थोड़ा ट्वीक कर दूँ, थोड़ा चेंज करूँ, बट यार नहीं कर सकता हूँ शायद ऑडियंस को ना अच्छा लगे. 5th एपिसोड है, 5th एपिसोड में टीटू मामा बिल्कुल सैवेज नहीं है, टीटू मामा बहुत ऐसा है हाथ जोड़ के कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे ये कर दो, क्योंकि टीटू मामा इज क्राइंग और हमने कभी देखा ही नहीं उसको रोते, वो उसको हाँ उसको उसको ऐसा है, हाँ उसको ऐसा है बना दिया है कि सॉरी फिगर बन चुका है टीटू मामा. तो हम चाहते तो हम टीटू मामा को सैवेज ही दिखा सकते थे, पर नहीं, डिंडोरा इज़ अ प्लेस वेयर बिकॉज आई नो माई कैरेक्टर्स बेटर एंड आई नो वट आई हैव इन फ्यूचर फॉर देम. तो पापा MKC का जो कैरेक्टर है वो असल में सबसे बैड एस कैरेक्टर है, ही ऑल्सो ओवर शेडोज टीटू मामा, तभी टीटू मामा को उठा के ले गया, तभी उसकी कुटाई करी. तो होता है कभी कभी रियल लाइफ में कॉन्वर्सेशन करते करते अंदर से वो आपका कैरेक्टर बाहर आ रहा हो और मन कर रहा है कि यार मैं टीटू बन के जवाब दे दूँ, क्योंकि टीटू मामा इज द गाय आई एस्पायर टू बी इन लाइफ, स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द फेस और पते की बात इधर उधर की बात नहीं. टीटू मामा बनने में भी, टीटू मामा के साथ शूट करने में भी मज़ा आता है, क्योंकि उस मूछ उस विग के पीछे आप एक अलग पर्सनैलिटी बन जाते हो.